जी नमस्कार। देखिए, आज सुबह सुबह बैठ के मैंने आप सबके लिए कुछ लिखा है, बिकॉज मार्केट समझना इस लेवल पे बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैंने उसके पूरे नोट्स बनाए हैं। मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को वॉक थ्रू दूंगा और उससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ ये है कि मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज का है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कब तक सेल ऑन राइज का है? लेवल हमें पता है 19,500। जब तक निफ्टी उसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती है, ये मार्केट सेल ऑन राइज का ही है। ये चीज ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि निफ्टी 19,500 जाए ही। पॉसिबल है कि निफ्टी 19,350 या 450, ये सब रेंज से ही कहीं करेक्ट होने की कोशिश करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि 19,500 के पहले जब तक निफ्टी क्लोज नहीं हो जाए, तब तक हमें यहाँ से मार्केट पे पॉजिटिव नहीं होना है। सेल ऑन राइज का ही मार्केट समझना है। ये काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग है जो हमको अभी फिलहाल ध्यान में रखना है। ये पहली बात होगी। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ों से फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि जस्ट इन केस अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्या सेफ्टी नेट रहेगा, किस लेवल पे खरीदना सेफ रहेगा, या स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। कुछ पैरामीटर्स हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो पहला एनालिसिस जो मैंने किया वो किया निफ्टी के ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस अर्निंग मल्टीपल को लेके। उसमें तीन पॉइंट मुझे नजर आए जिससे मैंने तीन सिनारियो बनाए। पहला पॉइंट नजर आया, नॉर्मली आज के सिनारियो में 20 ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे सपोर्ट मार्केट अच्छा लेता है, 2-3 बार ले चुका है। कभी थोड़ा सा अगर डाउनसाइड ब्लिप होता है तो 19 टाइम्स TTM पे जाता है। TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ओके, इन ये हमारा दो सिनेरियो हुआ। तीसरा सिनेरियो हमारा हो सकता है 17 टाइम्स का, उसको समझाता हूँ क्यों। तो हमने पहला सिनेरियो लिया जो कि ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है कि बॉटम हो सकता है मार्केट का TTM 20 टाइम्स पे। दूसरा सिनेरियो हो सकता है जिसको मैंने नाम दिया मॉडरेट सिनेरियो, मॉडरेट बॉटम, जो बन सकता है TTM 19 टाइम्स पे। तीसरा सिनेरियो जो मैंने लिया है पेसिमिस्टिक बॉटम, उसको हम 17 टाइम्स TTM ले रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए लिया है कि वहां पे मैंने कोशिश की है 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल को समझने की, और 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल में नॉर्मली 16 टाइम्स के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। उस हिसाब से एक्चुअली 18 टाइम्स के नीचे ही टीटीएम पे नहीं जाना चाहिए मार्केट, लेकिन फिर भी पेसिमिज्म को ध्यान में रखते हुए मैंने 17 टाइम्स तक पेसिमिस्टिक रखा है निफ्टी को। अब अगर ये टीटीएम है, ट्रेलिंग 12 मंथ पीई है, तो इसके अगेंस्ट में हमें बिठाना है कि क्या लेवल हो सकते हैं निफ्टी के। इसके लिए मैंने सहारा लिया है अभी जो निफ्टी का ईपीएस हो सकता है नवंबर एंड का, वो रफली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अराउंड 9:30 के आसपास हो सकता है। अब इस 9:30 से अगर हम वैल्यूएशन निकालें तो 20 टाइम्स पे 18,600, ये हमारा ऑप्टिमिस्टिक केस है बॉटम फॉर्मेशन का निफ्टी का। 19 टाइम्स पे 17,670, सो अराउंड 17,700, ये हमारा मॉडरेट सिनेरियो हो सकता है बॉटम फॉर्मेशन का। और पेसिमिस्टिक बॉटम बन सकता है 17 टाइम्स पे अराउंड 15,810, करीब करीब 16,000 पे। ओके, ये हमारा टीटीएम के थ्रू एनालिसिस हुआ। लेकिन अब इस पे हम बिठाते हैं टेक्निकल रिट्रेसमेंट लेवल्स और कोई कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा मार्केट का जो लो था 16,828 का और जो हाई था 20,222 का, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट 18,925 है, जो कि हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि हमें क्यों क्यों 18,900 19,000 पे सपोर्ट दिख रहा है और एक राउंड खरीदना बनता है। तो वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये 38.2% की थियरी तब तक ही वैलिडेट रहेगी जब तक निफ्टी 19,500 के ऊपर क्लोज करके आगे जाना शुरू कर जाए, मतलब ये बॉटम हो गया। नहीं तो 38.2% वाला जो लेवल है, यानी 18,900 के आसपास का जो लेवल है, वो अगर फिर से ब्रीच होता है तो हमें ध्यान देना होगा एक कॉमन लिंक पे, या फिर बेस्ट केस वर्स केस। तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल बनता है, जो ऑप्टिमिस्टिक बॉटम है पीई के थ्रू 18,600 और 50% रिट्रेसमेंट है करीब 18,500, और कुछ आपको ट्रेंडलाइन सपोर्ट भी वहां पे मिल जाएगा। यानी हमारा एक फेयर अजम्पशन हो सकता है कि निफ्टी 18,500 के आसपास काफी एक सपोर्ट्स का कॉन्ग्रुएंस है,
वहां पे अच्छा सपोर्ट बनने की उम्मीद है, ये पहला एजम्पशन है मेरा। जस्ट इन केस ये नहीं हुआ तो क्या, तो 18,000 से 18,300 के रेंज में और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बन के आ रहे हैं, कई सारे मल्टीपल बेड निकल के आ रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ द थिंग्स है 61.8% रिट्रेसमेंट 18,125। तो इसका पहला निचोड़ मुझे ये लगता है कि शायद 18,500 जो हम बहुत पहले से समझते हैं, 500-600 की हम जो बात कर रहे हैं, वो एक डिसेंट लेवल ऑफ सपोर्ट बनेगा, जहां से अगर मार्केट डाउनसाइड जाता रहता है तो खरीदारी शुरू करने का वो लेवल ठीक लगता है, या फिर 19,500 के ऊपर। तो पहला हमारा सिनेरियो ये बनता है कि या तो 19,500 के ऊपर हम लॉन्ग करना शुरू करेंगे, खरीदारी शुरू करेंगे, और वो भी ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से ही खरीदारी शुरू करेंगे, बहुत बड़ा पोजीशन, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं रहेगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। लेकिन अगर जो हमारी अभी सेल ऑन राइज की थ्योरी है, जब तक 19,500 के नीचे अगर ये थ्योरी सही रह गई, तो हमारी खरीदारी 18,500-18,600 के रेंज से शुरू होनी चाहिए, कंप्लीट वहां नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट या तो ट्रेंड रिवर्सल पे होनी चाहिए या टुवर्ड्स 18,000, जो कि 18,000 से 18,300 का मैंने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट मुझे समझ में आता है, वहां पे कंप्लीटली इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर कंप्लीटली इन्वेस्टेड रह गए, इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी बोलेगा सुमेश कुमार ने बोल दिया ये रेंज तो इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि हम कभी, अगर मान लीजिए कुछ सिचुएशन गया खराब हुआ, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, तो उस केस में हमें वर्स कम वर्स 16-16.5 ये सब रेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। वो किस सिचुएशन में, उसकी डिस्कशन हम करते हैं। यहाँ तक की क्लैरिटी पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो फेयर केस बनाया है वर्स केस बॉटम का, वो बनाया है 18,000 to 18,300। हाउएवर 18,500 से मैं अपनी बाइंग करना शुरू कर दूंगा, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरी जैसे सेलिंग रहती है, सेलिंग कंटिन्यूड रहेगी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूड रहेगी। नया सवाल ये हो सकता है कि क्या चांस हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि निफ्टी 18,000 के नीचे भी चला जाए, और इसके कारक क्या होंगे, इसके रीजंस क्या होंगे। तो निफ्टी 18,000 जाने का जो मैंने पोटेंशियल रीजंस निकाले हैं, पहला तो ये है कि अगर इसराइल और हमास का बहुत ज़्यादा एस्केलेशन होता है, जो अभी चल रहा है वॉर, तो एक अगर बहुत एस्केलेट होता है तो वो उसके कारण से बड़ा फॉल हो सकता है। दूसरा, अगर यूएस टेन ईयर ट्रेजरी यील्ड 5% निकलने की कोशिश करेगा और सस्टेन करेगा तो वो बहुत बड़ा कारक होगा। मैंने पहले भी बताया था, मेरे लिए 5.5% मतलब नहीं रखता, या तो 5% मतलब रखता है या फिर 6%। इसलिए 5% मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड। तीसरा कारण बहुत ज़रूरी है, देखिए हमारे यहाँ अभी भी ब्रॉडर मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और मैंने 2 महीने से अक्टूबर से ये स्टैंड मेंटेन किया हुआ है कि स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे मिड कैप को और नैरो मार्केट को, और मिड कैप बीच में रहेगा या रादर मार्केट परफॉर्मर रहेगा। ये सिनेरियो अभी भी देख रहे हैं आप, और एक स्मॉल कैप डबल टॉप बनाने के बावजूद भी जो 12,000 के पास जो निफ्टी स्मॉल कैप का लो बना और पैनिक बॉटम टाइप जो बना, वहां से पुल बैक बहुत ही बढ़िया है, और टुवर्ड्स ऑल टाइम सॉरी प्रीवियस हाई जो बनाया है वहां पे जाने की कोशिश हो रही है, जहां पे डबल टॉप है। अब ट्रिपल टॉप बन जाएगा, क्रॉस करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने अपना रिसेंटली मेड जो लो है, या आप उसको 23% रिट्रेसमेंट आप उसको बोलते हैं वो कह सकते हैं, या जो भी अभी रिसेंटली मेड लो है, अगर इसके नीचे गया, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा कि ब्रॉडर मार्केट का सेंटिमेंट जा रहा है और निफ्टी 18,000 भी तोड़ सकता है। ये नेक्स्ट रीजन हो सकता है। अगला रीजन क्या हो सकता है, जो म्यूचुअल फंड्स में कंट्रीब्यूशन जा रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, रिटेल का कंट्रीब्यूशन, एट द सेम टाइम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अभी स्मॉल कैप्स में जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ फ्लो में चेंज होता है, या फ्लो में कुछ कमी होती है, या फ्लो स्टॉप होता है, तो वो एक बड़ा रीज़न बन सकता है बड़े क्रैक का निफ्टी में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निफ्टी का ट्रेलिंग 12 मंथ पीए कभी आने वाले वक्त में अगर 25 के ऊपर निकल जाता है और 25 to 30 के रेंज में जाने की कोशिश करता है,
तो वो एक बहुत बड़ा शार्प फॉल कभी भी क्रिएट कर सकता है। ये सारे कारक हमने ढूंढ के निकाले हैं। तो इससे मैंने मतलब क्या निकाला, जिसको इन्फ्रेंस कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, वो ये है कि मार्केट अभी तक सेल ऑन राइज है। कब तक सेल ऑन राइज है? जब तक 19,500 के ऊपर क्लोज नहीं लेना शुरू कर। दूसरा पॉइंट, सेफ बाइंग कहां से शुरू हो सकती है? 18,500 के पास, 18,500-18,600 के पास सेफ बाइंग शुरू हो सकती है। थर्ड पॉइंट, 18,000 से 18,000 के रेंज में 2 to 3 years इन्वेस्टमेंट होराइजन के स्टैंड पॉइंट से अच्छे सुपर क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वहां से थोड़े समय अगर निफ्टी नीचे गई तो आपका पोर्टफोलियो लाल दिखेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर निफ्टी 19,500 के ऊपर क्लोज देना शुरू करती है तो ये एक बुलिश सिनेरियो फिर से बनेगा। लेकिन मेरा व्यू चूंकि 21,000 के ऊपर ज्यादा अभी नहीं है, तो वो जो भी बनेगा शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट बेस्ड या ट्रेडिंग बेस्ड बाय रखना है। ये पूरा आज के सुबह के रिसर्च का निचोड़।